Hey guys, welcome back to our another video. पीछे बादल देख रहे हो ना, क्या सही बन रहा है? उधर सही देखो पीछे, और अभी आप सही बन रहे हैं, बट अभी धीरे धीरे ना जा रहे हैं। तो गाइस, आज का मेरा प्लान है कि मैं आपको ना पूरा आईटी के बारे में बताऊं कि अगर आप किसी भी कंपनी में जाते हो, आईटी कंपनी में या किसी भी कंपनी में जाते हो, तो आपको कैसे सर्वाइव करना है स्टार्टिंग से। मतलब एज अ फ्रेशर जाते हो तो आपको कैसे स्टार्ट करना है, तो स्टार्ट करते हैं। आज मैं सारी चीज़ आपको बताऊंगा, तब तक मैं फ्रेश हो लेता हूँ। अभी जस्ट मैं उठाऊँ तो सोच रहा हूँ फ्रेश करना है, बहुत सारे काम भी करना है, थोड़ा सा ट्रैवल करूँ, बट ट्रैवल पॉसिबल नहीं आज क्योंकि धूप है एंड बहुत सारे काम भी है मेरे पास। तो बेसिकली गाइस स्टार्ट करते हैं, जब आप किसी कंपनी में जाते हो ना एंड तो आज फ्रेशर जाओगे तो फ्रेशर में आपकी ट्रेनिंग होगी स्टार्टिंग में। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो डाउट्स नहीं पूछते हैं। तो डाउट्स पूछना बहुत ज़्यादा मस्ट है, क्योंकि आप डाउट नहीं पूछोगे ना तो आपके ना प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होगी, आपके जो मन में डाउट होगा वो क्लियर ही नहीं होगा एंड वो डाउट आगे क्रिएट करता रहेगा इश्यूज। ये मेरे साथ भी प्रॉब्लम हुआ था। तो मोस्टली एज अ फ्रेशर ना बहुत सारे लोग फेस करते हैं ये चीज़ें, क्योंकि एक तो इंग्लिश का इश्यूज आता है, क्योंकि अगर तुम जाओगे तो बहुत सारे लोग हैं जिन्हें इंग्लिश नहीं आती, और मोस्टली जब फर्स्ट एनवायरनमेंट मिलेगा आपको कंपनी का वो इंग्लिश वाला मिलेगा, सारे लोग इंग्लिश में बोलेंगे, तो एक वो इश्यू होता है जो कि लोग नहीं क्लियर कर पाते वो चीज़ें। तो मैं बोलूँगा वो पहले आप क्लियर कर लेना। एंड जब आप किसी आईटी कंपनी में जाते हैं ना, वहाँ पर ट्रेनिंग होती है, तो आपको ऐसा कोई डिफाइन नहीं होता पहले से कि आपको ये वाली स्ट्रीम मिलने वाली है। आपको कोई भी स्ट्रीम मिल सकती है एज अ फ्रेशर, आपको ऐसे भी मिल सकती है, कुछ भी मिल सकता है, डेवलपमेंट का भी कहीं भी कुछ भी करा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, आराम से ट्रेनिंग होगी एंड आपको कोई इशू नहीं होगा। बहुत सारे लोग होते हैं मैकेनिकल वाले या नॉन आईटी वाले, उन्हें इशू होता है कि भैया मेरे को अगर प्रॉब्लम आती है, अगर मैं नॉन आईटी से हूँ तो कहीं दिक्कत तो नहीं आएगी। तो यार ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको ना सारी चीज़ें स्क्रैच से कराई जाएगी एंड आपके पास एनफ टाइम होगा उसके लिए, क्लियर करने के लिए ट्रेनिंग को। तो ऐसा कोई इशू नहीं है, सारी चीज़ें स्क्रैच से कराई जाएंगी एंड आपको कोई भी इशू होता है ना तो वहाँ के जो एजुकेटर है, कोई एजुकेटर है वहाँ से आप बात कर सकते हो, वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। एंड आपको कोई भी मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई इशू आता है तो एचआर एक पर्सन है जो आपकी हेल्प हमेशा करने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको टेस्ट बुक के बारे में बताना चाहूंगा। तो टेस्ट बुक इज कमिंग अप, डेटा साइंस विद पाइथन कैरियर प्रोग्राम। यहाँ पे आपकी इंटर्नशिप होने वाली है, लाइव प्रोजेक्ट पे आपको काम करने मिलेगा। अगर डेटा साइंस की बात आती है ना तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मार्केट में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, बट लोगों के पास स्किल्स नहीं है तो लोगों को जॉब नहीं मिल पा रही। तो यहाँ पे आपको एसक्यूएल, MySQL, पाइथन बहुत सारी लैंग्वेज सीखने को मिलेगी। इनकी प्लेटफॉर्म पे आपको मेंटरशिप भी मिलेगी, मतलब वन टू वन डाउट सॉल्विंग। अगर आपको कोई भी इशू होता है ना तो आप किसी भी मेंटर से कनेक्ट हो सकते हो। एंड यहाँ पे आपको 2 मंथ की इंटर्नशिप मिलने वाली एंड आपको उसका सर्टिफिकेशन ही मिलेगा। यहाँ पे आपका रिज्यूमे एंड गिटहब बनाने में भी हेल्प किया जाएगा। सबसे मेन चीज होती है, जब भी आप कोई कोर्स कर रहे होते हैं तो आपको ना वहाँ प्रोजेक्ट में काम करने को मिल रहा है कि नहीं, आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो या नहीं। यहाँ पे बेसिकली बहुत सारे प्रोजेक्ट में आपको काम करने को मिलेगा, जैसे इन्वेस्टिगेशन स्पॉटिफाई डेटा सेट, जैसे विजुलाइज इंडिया वैक्सीनेशन डेटा सेट पर काम करने को मिलेगा, इन्वेस्टिगेट वॉलमार्ट रिटेल डेटा सेट पर काम करने का, बहुत सारे प्रोजेक्ट यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, आपको सब पे काम करने को मिलेगा। अब आती है स्किल्स की बारी, आपको यहाँ पे कौन कौन सी स्किल्स सिखाई जाएंगी। यहाँ पे बिग डेटा, डेटा विजुलाइजेशन, मशीन लर्निंग, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स यूजिंग पाइथन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अगर आप डेटा साइंस का कोर्स कर लोगे तो इन प्रोफाइल के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, लाइक डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, डेटा इंजीनियर, प्रोडक्ट एनालिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर, डिसीजन साइंटिस्ट। सो बेसिकली गाइस आपको इनकी प्लेटफॉर्म में मिलने क्या वाला है, मैं सारी चीजें बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपके 148 प्लस वीडियो लेसन होने वाले हैं, 90 प्लस लाइव सेशन होने वाले हैं, 30 मॉड्यूल्स पे काम करने को मिलेगा, 10 प्रोजेक्ट्स होने वाले हैं आपके। यहाँ पे 185 आवर्स की आपकी लाइव सेशंस होने वाले हैं, 2 मंथ की आपकी इंटर्नशिप होने वाली है, लाइफ टाइम एक्सेस एंड सपोर्ट मिलने वाला है। जब भी आप कोई डाउट आएगा तो यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। एंड गाइस सबसे मेन चीज होती है, आपको डुअल सर्टिफिकेशन मिलने वाला है। एंड गाइस इनकी प्लेटफॉर्म पे ना SQL का फ्री कोर्स भी चल रहा है, अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करोगे ना तो वो आपको ना फ्री में एक्सेस मिल जाएगा, आप वो फ्री में कर सकते हो। एंड गाइस इनकी डेटा साइंस के कोर्स में भी बहुत सारे डिस्काउंट मिले, अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हो C20 तो आपको ना एडिशनल 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो वेट किस बात का, लिंक सारा डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके चेकआउट करो। एंड गाइस लुक एट दिस, अभी वेदर कितना क्लासी हो गया, अभी धूप मतलब धूप थी एंड अभी देखो एकदम से चेंज हो गया। पुणे में बस यही आपको देखने को मिलेगा, कभी धूप होगी कभी एकदम से वेदर चेंज हो जाएगा, इसीलिए ना पुणे बहुत अच्छा है, मतलब वेदर यहाँ का बहुत क्लासी है यार, आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक तो वॉशिंग मशीन खराब हो गई मेरी ना, बहुत दिनों से कपड़े भी धोए, तो मैं सोच रहा हूँ दोस्त की फ्लैट पे जाता हूँ, वहां से कपड़े धो लेता हूँ उसके फ्लैट पे, उसके बाद मैं जिम निकल जाऊंगा। ये देखो भाई कितने सारे कपड़े धो गए, सब धोने पड़ेंगे लाइन से, अभी जाके खाली हुआ है, तब से इतने सारे कपड़े धोले ही नहीं है मेरे, ऑलमोस्ट पूरी फिल हो गई बाल्टी। तो चलो सो गाइस ये सामान लेके पहले मैं नीचे वाले फ्लैट पे धुलाई करनी है इसकी, वॉशिंग मशीन में डाल जाऊंगा एंड देन मैं फिर उसके बाद जिम चला जाऊंगा, मैं जिम भी नहीं गया हूँ बहुत दिनों से।
दो दिन हो गए जिम नहीं जा पाया हूँ, क्योंकि बैक टू बैक इतने काम रहते हैं ना तो पता नहीं चलता। इवन आज भी मेरा प्लान था कहीं ट्रैवल करूंगा, बट आज भी एक दो मीटिंग है तो फिर नहीं हो पाएगा जहाँ तक है, तो प्लान कैंसिल हो रहा है। बट मैं सोचा था क्यों ना इसके ऊपर आपकी और वीडियो बना दीजिए कि अगर आप किसी भी आईटी कंपनी में रहते हो तो फिर कैसे सर्वाइव करते हो, कैसे ट्रेनिंग में उधर कंप्लीट करनी होती है। सो हियर इज आकाश विद मी। सो आकाश इज वर्किंग इन IBM। IBM कैसा चल रहा है IBM में? है ना, अच्छा ट्रेनिंग एंड ऑल द थिंग कराते हैं IBM? अच्छा पहले स्टार्टअप में था। अच्छा ओके ओके दैट्स कूल। फ्रेशर्स के लिए क्या सजेशन देगा देखो कि अगर IBM ज्वाइन करना हो तो क्या चीज़ें सीखनी चाहिए स्टार्टिंग में? फर्स्ट तो बेसिक मतलब कोडिंग होना अगर डेवलपमेंट में जाना है तो। हाँ हाँ, और जो भी फील्ड में जाना है उसमें पहले तो एक ही इसमें अच्छे से करो। हाँ ओके, कौन सी लैंग्वेज स्टार्टिंग में सीख के जाए जिस भी कोई कोई भी आईटी कंपनी में जाना होता? हाँ अगर मतलब नॉन आईटी होगा तो गो विद जावास्क्रिप्ट, क्योंकि उसमें ज्यादा डेटा स्ट्रक्चर नहीं होता। जावास्क्रिप्ट यस। व्हाट अबाउट पाइथन एंड ऑल? यस पाइथन भी कर सकते हैं, बट पाइथन के लिए थोड़ा जॉब में ये मतलब मिलना थोड़ा मुश्किल है इसके लिए। ओके तो बेसिक्स मतलब जावा वगैरह सीख के जाओ तो जावास्क्रिप्ट में ज्यादा स्कोप है। ओके हाय रशीद, अभी तो उठा है तू? अभी उठा है? ओ कूल, तो इसके फ्लैट पे सारा अपना सामान डालने वाले हैं हम, सारा अभी उठा जाके। तो बेसिक गाइस अगर आप लोगों को जावा वगैरह जो बेसिक्स लैंग्वेज होती है आप पढ़ के जाना, सी जावा वगैरह, तो आपको जो वहाँ पे ट्रेनिंग होगी तो आप इजीली क्लियर कर लोगे, कोई इशू नहीं आएगा। थैंक यू। इसके साथ लिफ्ट वाला सीन बहुत सही हुआ भाई, एक के बाद लोग वहां पे जा रहे हैं, उसमें स्पेस ही नहीं था एंड ये ऐसे लाइक मैंने ही दूसरी लिफ्ट में चलाया तो ऐसा कर ले। एंड देखो वेदर चेंज हो गया, धूप आ गई, अभी देखो धूप नहीं थी ना, वेदर चेंज होता रहता है, अभी धूप नहीं थी अभी धूप आ गई। मैं सोच रहा था थोड़ा सा बाहर जाऊँ घूम के आऊँ, बट अभी धूप आ गई तो फिलहाल तो अपनी जिम चले जाते हैं, जिम करके फिर ही होते हैं। जिम नहीं करी तीन दो दिन से, तो एंड आकाश भी साथ देने वाला जिम में। हाँ आज मैं 3.5 किलोमीटर भागा, तुम्हारा कितना कंप्लीट होगा? 3.2 ऑलमोस्ट सेम ही था, हालत खराब हो गई, सांस फूल गई अभी हमारी। थोड़ा सा भागने में गाइस जब अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट हो जाएगी कैंपस में, अगर आप घर से होते हो तो फिर प्रॉब्लम होती है, बट आप कैंपस में चले जाओगे ना तो आपकी बहुत अच्छे से ट्रेनिंग होगी एंड आपको ना बहुत एरिया होंगे तो ट्रैवल करने को मिलेंगे, जैसे कैंपस लाइफ बहुत अच्छी होती है। मतलब ट्रेनिंग होगी ना आप अदर एक्टिविटीज़ करना चाहो तो वो भी कर सकते। सो गाइस मैं आपको बोला ना कैंपस में अगर रहोगे ना तो आपको कैंपस लाइफ जीने को मिलेगा एंड वर्क फ्रॉम होम में कुछ नहीं मिलने वाला, इसलिए मैं बोलता हूँ ना वर्क फ्रॉम ऑफिस स्टार्ट हुआ आना तो आपको कैंपस लाइफ मिलेगी एंड ट्रेनिंग बहुत अच्छे से जाएगी। ऑनली ट्रेनिंग पढ़ने पर ध्यान दोगे ना मज़ा नहीं आएगा, मैं बोलूँगा ना थोड़ा सा एक्टिविटीज़ पर भी ध्यान देना, नहीं पढ़ना 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 बोरिंग हो जाएगा, थोड़ा सा एक्टिविटीज़ करोगे ना, इसीलिए लोग बोलते हैं ना कैंपस में जाके ट्रेनिंग करो, घर पे रहना भाई पॉसिबल नहीं है एंड ट्रेनिंग भी इतना मजे नहीं आएंगे जो आने चाहिए एक्चुअल में। एंड गाइस एक और चीज़ बताता हूँ, जैसे आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी ना, बहुत सारे लोगों को डाउट रहते हैं कि भैया यार हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हुई एंड हमारे एग्जाम्स क्लियर नहीं हुए तो क्या कंपनी हमें भगा देगी? देखो चांसेस तो होते हैं कंपनी के भगाने के, बट ना जो ट्रेनिंग होती है वो आपकी क्लियर हो जाएगी, मतलब आपको ना दो या तीन चांसेस मिलते हैं हर कंपनी में, हर कंपनी दो तो मिनिमम देती देती है लेकिन तीन भी देती है बहुत सारी कंपनीज, तो बहुत कम चांसेस होते हैं ना आपको ना सारी चीज़ें स्क्रैच से कराया जाएगा ना, तो मतलब बहुत ही कम चांसेस होंगे कि आप बाहर निकलोगे, मतलब आपकी ट्रेनिंग अच्छे से क्लियर हो जाएगी, बट आपको ना 100% आपको देना पड़ेगा, मतलब 10-12 आवर्स ऑलमोस्ट एवरी डे आपको देना ही पड़ेगा। अब आपकी ट्रेनिंग वगैरह सारी कंप्लीट होगी, अब आती है मेन चीज़ कि आपको प्रोजेक्ट असाइन हो एंड आपको कौन सी टेक्नोलॉजी पर काम करने को मिलेगा। तो बेसिकली गाइस जो आपको डोमेन मिलता है ना, स्ट्रीम मिलती है ट्रेनिंग टाइम पे, मोस्टली उसी में आपको काम करने को मिलता है, बट उसमें क्या होता है किसी डोमेन्स में आपको प्रोजेक्ट मिल जाएंगे किसी डोमेन्स में प्रोजेक्ट नहीं मिलेंगे, तो क्या होता है बेंच पे रहना पड़ता है, तो आईटी कंपनी में मोस्टली आपको बेंच पीरियड निकालना पड़ेगा, किसी को 1 मंथ का मिल जाता है किसी को 2 मंथ का, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर और आपके लक के ऊपर कि आपको क्या मिलता है। चलो आपने बेंच पीरियड निकाल दिया आपके पास, उसके बाद प्रोजेक्ट मिल गया, अब लोग बोलते हैं यार मेरे को सपोर्ट प्रोजेक्ट नहीं चाहिए, मेरे को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चाहिए, तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि मोस्टली आईटी कंपनी में ना डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट नहीं है सपोर्ट के प्रोजेक्ट है, तो आपको ना 90% ऑलमोस्ट सपोर्ट के प्रोजेक्ट मिलेंगे, डेवलपमेंट का 10% मिलेगा,
अब ये भी आपका लगेगा, अगर आपको मिल गया तो ठीक है, अदरवाइज नहीं मिलेगा। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार भैया ना ये ना ट्रेनिंग में जो आपकी परसेंटेज बनती है ना उसके अकॉर्डिंग मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। जिनकी 60 या 70, 60 तो मिनिमम रहता है, जिनका 70 या 80% भी रहता है उनको भी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट मिल जाते हैं कभी कभी, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर इसके बाद क्या करना चाहिए, अगर आपको सपोर्ट प्रोजेक्ट मिल जाता है तो उसके बाद क्या करना चाहिए? तो मैं बोलूंगा ना उसमें आप काम करो, अपनी स्किल को अपस्किल करो, और साथ ही साथ ना naukri.com या LinkedIn पे ना उससे रिलेटेड जॉब देखते रहो कि यार मार्केट में जॉब है या नहीं, उससे रिलेटेड जो फील्ड आपको मिला ना उससे रिलेटेड जॉब है या नहीं। अगर आपको लगता है जॉब नहीं है तो फिर आप ना चेंज करो स्किल्स को अपनी एंड दूसरा डोमेन पकड़ो साथ ही साथ, क्योंकि अपना टाइम वेस्ट मत करो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि एज अ फ्रेशर आते हैं कंपनी में, उन्हें लगता है जॉब लग गई और मजे की जिंदगी है, भाई 3.5 लाख में ना जिंदगी मजे की नहीं होती। तो पहले उसके लिए काम करो जिससे आपका सैलरी मिनिमम आपका 10 या 12 लाख आपको मिल जाए आराम से। तो उसके अपने स्किल को अपस्किल करो, जो भी आपको टेक्नोलॉजी मिल रही है आप में चेक करो, अपने कलीग से पूछो और आपके टीममेट से या फिर आपका जो लीड है उनसे पूछो कि भाई इस टेक्नोलॉजी में क्या है। अब आप बहुत सारे लोग बोलेंगे यार लीड तो भाई बताएगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लीड एज अ फ्रेंड काम करेगा कि आप कुछ भी डिस्कस कर सकते हो आप उनसे, आप फ्रेंडशिप बनाओ उनसे, दोस्ती करो एंड डिस्कस करो अपनी पर्सनल चीजें कि यार मेरे को ये इशू आ रहा है, मेरे को ये चीजें नहीं आ रही। आपको डरना नहीं है, आप प्रोजेक्ट में हो, आप कंपनी में हो, आपको कंपनी ऐसे नहीं भगाएगी। आप काम करके दोगे ना तो आपको कंपनी कभी नहीं भगाएगी, आप वैसे भगाती नहीं, बहुत कम चांसेस होते हैं। तो आप ना डरने का नहीं है, आपको जो पूछना है लीड से पूछो कि भाई मेरे को प्रोजेक्ट में मजे नहीं आ रहे, मेरे को सीखने को नहीं मिल रहा, दूसरा प्रोजेक्ट असाइन करो, तो आपको सीखने के लिए कुछ चीजें रहेंगे या फिर आपको बताएंगे दूसरा पार्ट बता देंगे यार इस प्रोजेक्ट में इतना है नहीं, तू ऐसा कर ये वाली टेक्नोलॉजी कर ले तो चेंज कर सकता है इस चीज में। क्योंकि मैंने भी सेम किया था, क्योंकि मेरे को सीखने को नहीं मिल रहा था तो मैंने भी अपने कलीग्स जो मेरे सीनियर से प्रोजेक्ट में था उनसे पूछा कि भाई ऐसे कैसे कर सकते हैं, तो उन्होंने बताया कि सेल्सफोर्स में जा सकते हैं। फिर क्या मैंने सेल्सफोर्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया एंड चेंज कर दिया। हर कंपनी में ना इंटरनल जॉब पोस्टिंग निकलती है तो आप उसके थ्रू चेंज कर सकते हैं। चलो उसे मैं आता हूँ अभी थोड़ी देर में, है ना, तो चलो चलते हैं। हाँ अरे हाँ मेरा ये तो रह गया, सुन ऐसा करते हैं इससे चलते सीढ़ियों से, अभी है ही ऊपर कितना। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, मेरे को भी सर सर बोलते रहते हैं एंड सही सर भैया, चलो भैया ठीक है सर एक फिजिबल नहीं है, जब आप किसी भी कंपनी में जाओगे तो वहाँ पे ये वाला कल्चर है नहीं कि आपको सर बोलना पड़े, वहाँ पे नेमिंग कल्चर है कि आपको ना नेम लेके ही बुलाना पड़ेगा सबको, चाहे आपको मैनेजर हो चाहे कोई हो, आपसे जूनियर हो सीनियर हो कोई भी हो। तो ये मेरे को भी ना आप ना सर मत बुला करो, मेरे नेम है गौरव अग्रवाल तो मेरे को गौरव बोल सकते हो आप, बाकी बात बाद में बताते हैं, थोड़ा बाहर घुमा के लाते हैं आप। सो पहले तो मैं थोड़ा सा बाहर घुमा लेता हूँ, बाहर हो गया वैसे थोड़ा चेंज, अभी पानी पड़ रहा था फिर धूप निकल आई, अभी फिर दोबारा से वेदर दोबारा से चेंज हो गया, अभी धूप नहीं है मतलब चेंज होता रहता है। इंडिकेटर कहाँ चल रहा है? सो फाइनली निकल ले भाई अच्छे से जाइयो, पहुँच के फोन करते हैं। ठीक है फोन, ठीक है पहुँच के फोन करते है ना, चलो हैप्पी जर्नी, मिलते हैं भाई। हाँ हाँ जा जल्दी। सो फाइनली रिसीव जा रहा है घर पे एंड मैं थोड़ा सा ट्रैवल कर लेता हूँ, मैं बाहर नहीं निकला तो मुझे लगा थोड़ा सा बाहर घूमूंगा, देखो क्राउड देख रहे हो ना थोड़े से, अभी पता कभी चेंज हो जाते हैं कभी वेदर चेंज हो जाता है तो, लेकिन अच्छा रहता है यहाँ का पुणे का वेदर क्लासी रहता है, तो थोड़ा सा घूम के आते हैं। एंड गाइस जिन लोगों ने इन्फोसिस का कैंपस नहीं देखा मैं बता दूँ ये इन्फोसिस का कैंपस है, बल्कि इसका फ्रंट गेट ये वाला इन्फोसिस का, यहाँ पर ऑलमोस्ट मैंने 3.2 ईयर कम्प्लीट किए थे। पुणे में ना मेट्रो का काम चल रहा है तो देख लुक एट दिस, सारा मतलब रोड को कवर कर रखा है उन्होंने, ये रोड ना अभी नया बना हुआ है नहीं तो ये भी कवर हो गया था पूरा। ये इन्फोसिस के एंडिंग है पीछे की एंड इसके सामने ही आपको विप्रो का कैंपस मिल जाएगा एंड दिस इज द विप्रो कैंपस। फाइनली आपने बाहर का ट्रैवल कर लिया होगा, थोड़ा वेदर देख के आपको काफी अच्छा लगा होगा। तो अभी बात आते हैं, मैंने आपको बता दिया था कि आपको ना किसी को ग्रीटिंग ऐसे नहीं करना है कि भाई सर या ऑल द थिंग्स, अगर आपको बोलने का मैंने बोल सकता है सब प्रॉब्लम नहीं है, बट वहाँ पे कल्चर ऐसी है कि आप नेम लेके बात करोगे तो कोई इशू नहीं होगा। एंड बात आती है प्रोजेक्ट की कि आपको प्रोजेक्ट में कैसे हैंडल करना है, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आपने अपने लीड से या मैनेजर से कैसे बात कर सकते हो, मैं बता दूँ आपको अगर कोई भी इशू आता है छोटा सा छोटा भी इशू ना तो पहले आप गूगल आउट करो कि अगर आपको गूगल पे मिल जाता है वो कि हाँ चलो ठीक है, अगर गूगल से वो चीज़ें मिल रही हैं तो ठीक है, अगर आपको फिर भी कोई इशू आता है ना तो अपने लीड से या फिर आप कोई आपका कोई भी सीनियर हो आप उससे सारी चीज़ें डिस्कस कर सकते हो। एक एक चीज़ है,
कोई इशू नहीं आएगा, कोई हेजिटेशन नहीं करना उस चीज में पूछने से कि नहीं आता वो क्या बोलेगा। इनिशियल डेज को उनपे भी नहीं आता था, उन्होंने भी ऐसी पूछ पूछ के आगे बढ़े हुए हैं, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। सपोर्ट प्रोजेक्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट दोनों ही, मतलब डिफरेंस तो बहुत होते हैं, बट बहुत सारे होते हैं। सपोर्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होते हैं वहाँ पे बहुत सारा चीज सीखने को मिलता है, कुछ सपोर्ट के प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जहाँ पे कुछ सीखने को मिलता है, एंड मार्केट में डिमांड भी बहुत कम होती है, एक कंपनी में चले वहाँ पे हो जाता है। तो आपने अभी लर्निंग पे ध्यान देना एंड एक्टिविटी जरूर करते रहना, क्योंकि अगर एक्टिविटीज नहीं करोगे तो आपको मजा नहीं आएगा, तो एक्टिविटी जरूर करते रहना एंड कंपनी जो है वो सीखो। मैं बोला वर्क फ्रॉम होम जो है ना, वो अगर आप ऑफिस आना चाह रहे हो ना, अगर ऑफिस आ जाओ, क्योंकि ऑफिस में बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगा, लोगों के साथ मिलना, चाय पीने जाना, लंच पे जाना उनके साथ, ऑफिस के लोगों के साथ, तो आपको काफी अच्छा लगेगा, कल्चर काफी अच्छा होगा ऑफिस का। इनिशियल ऑफ घर वाला, घर में थोड़े पैसे बच जाते हैं नो डाउट, बट ऑफिस आओ आपको अच्छा लगेगा। भाई गाइस वीडियो की एंडिंग भी यही करते हैं, अगर आपको फिर भी कोई इशू होता है ना तो मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, एंड आपको इस टाइप के अगर ब्लॉग चाहिए होते हैं इन्फॉर्मेटिव कि हाँ मैं इसमें ब्लॉग भी अगर शूट कर लूँ एंड आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बना दूँ, भाई अगर आपको कोई इशू होता है तो मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।